अनाज की बोरी नहीं पैसों की बोरी आती है। यदि वन रैंक वन पेंशन की मुहिम जल शक्ति नहीं उठाते तो शायद हमारे पास में जो तनख्वाह आती है या पेंशन मिलती है वो नहीं आती। ये मुहिम बहुत पुरानी है आप सबको पता है, लेकिन इस मुहिम को मोड़ मिला 15 सितंबर 2014 को, जब जनरल वी के सिंह साहब उधर थे और माननीय मोदी जी उधर आए रेवाड़ी में। मैंने भी बहुत मेहनत की थी, राजस्थान से डेलीगेशन लेके आए, हरियाणा से भी मैंने बहुत मेहनत करके हाथ में जुड़ाए, और जो मैं उस स्टेज पर मौजूद था, जन सदी भी मौजूद थे और भी आप में से होंगे उधर। माननीय मोदी जी ने 307 डिग्री का चक्कर लगाते हुए हाथ जोड़ के ये वादा किया था कि मैं माननीय मनमोहन सिंह ने उस टाइम पर प्रधानमंत्री थे कि वन रैंक वन पेंशन दी जाए, यदि वो नहीं करते तो मेरी सरकार आती है तो मैं तुरंत उनको वन रैंक वन पेंशन दूंगा। माननीय मोदी जी को मालूम होना चाहिए कि पूरे जवान जो है इस अखाड़े में कूदे, पूरे किसान इस अखाड़े में कूदे। क्यों कूदे? आज 90% से ज्यादा जो जवान है वो किसान के बच्चे हैं और किसान से जुड़े हुए हैं, इसलिए किसान मैदान में कूदा, जवान मैदान में कूदा। और वोटिंग परसेंटेज आप चेक कर लेना उसकी, 40% से 60% बढ़ी। जब वी के सिंह जो थे वो 4 लाख वोट से जीते और मेरे यहाँ जयपुर से कल राज्यवर्धन जो है 3.5 लाख से वोट जीते। वो क्यों जीते उनको महसूस करना चाहिए, वो इसलिए जीते कि उन्होंने वादा किया था और उस वादे को उन्होंने तोड़ दिया है। और वो तोड़ देने के बाद में जवान जो है वो पुराने जवान जो है वो अपने हक के लिए दंत मंत्र पर है। जवान को दंत मंत्र पर नहीं होना चाहिए, इस देश का जवान शहीद होना चाहिए और वो शहीद हो रहा है। आज मेजर सिंह जो यहाँ बैठे हुए हैं, एक और सज्जन उनके साथ में अमर अनशन में बैठे हुए हैं, ये बहुत गलत है। सरकार को सोचना चाहिए कि ये अपनी तनख्वाह अपने हक के लिए मरण अनशन पर बैठना एक सिपाही के लिए गलत है और सरकार की तोहीन है, बेइज्जती है, इस देश की बेइज्जती है। इसे सरकार को चेतना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक जवान जो यूनिफॉर्म पहनता है प्लेज लेता है कि वो अपने देश की रक्षा के लिए वो बोर्डर पर शहीद होगा, न कि जंतर मंतर पर शहीद होगा। और उसी तरह से आगे जो हमारी पूरी पूर्व सैनिक जो डिमांड है, आर्मी हेडक्वार्टर जो सैनिकों की जो डिमांड है उसकी तुरंत पूर्ति करें। और मुझे पूर्ण विश्वास है यदि आप कुछ चाहते हैं, मोदी जी दोबारा चाहते हैं इस सरकार में आने, तो इसकी घोषणा जल्दी करें, जवान और किसान दोनों की देखभाल पर। मैं इसी के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जन सभी जब बुलाएंगे हम उनके साथ में रहेंगे और कंधे से कंधा मिला के उनके साथ में देंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। इसी के साथ में जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।